राजीव है घर पर? वो घर पे नहीं है। कौन हो तुम? नौकर? राजीव घर पे नहीं है, तुम जाओ यहाँ से। कहाँ गए वो? वो मरनिन रेस्टोरेंट गया है खाना खाने के लिए, समझे? कितने दिनों बाद निकले घर से? खाना अच्छा है ना यहाँ? मैं हमेशा सही होटल में ही जाता हूँ। रहने दो रहने दो, पिछले दो तीन महीनों में कितनी बार लेके गए हो हमें बाहर खाना खाने? मैं बिजी था यार। पापा मम्मी ठीक कह रही हैं, हम 3 महीने बाद घर से बाहर एक साथ आए हैं। अच्छा भाई अच्छा, माँ बेटी दोनों एक तरफ हो गए हैं। क्या बात है? तुम्हारा ही नाम राजीव है। हाँ, क्या बात है? घर वापस जाओ। क्यों? घर वापस जाओ वरना बहुत देर हो जाएगी। पर हुआ क्या है? आपको कोई गलतफहमी हो रही है। तुम जल्दी से घर वापस जाओ वरना जिंदगी भर पछताना पड़ेगा। तुम हो कौन? टाइम वेस्ट मत करो, जल्दी से घर जाओ, किसी की जिंदगी और मौत का सवाल है। मुझे तो बहुत डर लग रहा है, भगवान करे सब ठीक हो। पर वो आदमी था कौन पापा? मैं तो ये सोच रहा हूँ कि उसे पता कैसे चला कि हम लोग मर्लिन होटल में खाना खा रहे हैं। यहाँ तो सब कुछ ठीक ठाक है, कुछ नहीं हो रहा है। कहीं उस आदमी ने हमारे साथ मजाक तो नहीं किया था? अरे ये दरवाजा तो मैं बंद करके गई थी। घर में कोई घुसा है, तुम यहीं रहना। संभल के राजीव। तुम दोनों जाकर गाड़ी में बैठ जाओ और गाड़ी अंदर से बंद कर देना। ओके गो गो। ओके चल। इसका मतलब घर में जरूर कोई घुसा है और जख्मी है। जानता हूं कोई है वहां, चुपचाप अपने हाथ ऊपर करके बाहर आ जाओ। राजीव देखो मैं 3 गिनूंगा, मेरे 3 गिनने तक अगर तुम बाहर नहीं आए तो मैं पुलिस को बुलाऊंगा। 1 2 सीनियर इंस्पेक्टर अभिजीत है। कौन? बलराज। ओ बलराज, मेरी बात जरा ध्यान से सुन, अब हम लोग और इंतजार नहीं कर सकते, समझा? हमें उन्हें पकड़ना ही होगा,
उनके पाप का घड़ा भर गया है। हमें हमारे ही लोग पूछ रहे हैं कि हम दक्ष के भाई की खूनियों की क्यों मदद कर रहे हैं। CID खूनियों से मदद ले रही है, चाहे दक्ष की जान को खतरा हो तब भी। दक्ष हर रोज पूछ रहा है कि उस सिंबल का क्या मतलब है। हाँ, बार बार पूछ रहा है। हमें उसे बताना ही पड़ेगा, वो एक CID ऑफिसर है, हमारा आदमी है। क्या बात कर रहा है? अगर दक्ष को कुछ हो गया तो एक एक को चीर के रख दूंगा, समझा? क्या गोली मार दी? किसने? उसने? उसने किसने? हेलो हेलो बलराज, हेलो हेलो बलराज, क्या हो गया? दक्ष को किसी ने गोली मार दी है। ये हिम्मत किसने? लगता है वही लोग हैं, वो निशान वाले। देख, हम लोग सोच रहे थे कि पूरे के पूरे गैंग को एक साथ पकड़ेंगे, पर अब देर नहीं करनी चाहिए, हमें अटैक कर देना चाहिए। यहाँ एक और केस आ गया है, अंधेरी से फोन आया है, वहां एक बंगले में खून ही खून फैला हुआ है, मगर कोई लाश नहीं है। अलमारी तक आ रहा है, अलमारी से जाने का कोई निशान नहीं है। उस आदमी को बहुत गहरा जख्म हुआ है, शायद गोली मारी गई है या चाकू मारा गया। इतना खून बहा है उसके अलमारी तक आने में, मगर जाते वक्त खून बंद कैसे हो गया? खून इतनी जल्दी तो बंद हो ही नहीं सकता सर। तो फिर वो यहां से गया कैसे? जब आप लोग अंदर घुसे तो आपने कोई आवाज सुनी, किसी के कराने की या किसी के भागने की? नहीं सर, हम तो बस ये खून देखते देखते कब्र तक पहुंचे थे। सर, एक आदमी हमारे घर में घुसा हुआ था और दूसरा वहां होटल में आके हमसे कहता है घर जाओ, किसी की जिंदगी और मौत का सवाल है। कौन था वो, आप जानते हैं उसे? नहीं सर, वो पता नहीं एकदम से हमारे पास कैसे आए। उसने कहा कि क्या तुम राजी हो, फिर कहने लगा कि घर जाओ वरना बहुत पछताओगे बाद में। घर वापस जाओ, किसी की जिंदगी और मौत का सवाल है। वो दिखता कैसे था? अच्छा था देखने में, बाल उसके पीछे बने हुए थे और कोरे रंग का था और उसकी मूछें घनी थी सर। इस आदमी को पता कैसे चला कि घर में क्या हो रहा है? सर, वो आदमी यहाँ से होटल में गया इन्हें बताने के लिए, उसे ये करने की क्या जरूरत थी? सर, सर देखिए, इस लॉक पे भी खून लगा हुआ है। मतलब जख्मी आदमी ने ताला तोड़ा और फिर अंदर घुसा। पर सर, ये आदमी हमारे ही घर में क्यों घुसा? किसी से छिपने के लिए। अगर वो अलमारी में छुपा हुआ था तो फिर वो गया कहां? डॉग आ गया सर। डॉग क्या मदद कर सकेगा? देखते हैं, कम से कम ये तो पता चल जाएगा कि वो आदमी इस कमरे से कहां गया और कैसे गया। वो आदमी भीन गीत से ही गया है। सर, जितना खून फैला है चारों तरफ उस आदमी का, उसे लगता है ज्यादा देर तक जिंदा नहीं बचेगा वो। सर,
झाड़ियों में क्या हो सकता है? इसे कुछ पकड़ा हुआ है, कपड़े का टुकड़ा लगता है। कम कम सर, पैंट के कपड़े का टुकड़ा लगता है, खून भी लगा है सर। इस कुत्ते ने उस जख्मी आदमी को काटा होगा सर। ये रात उस आदमी के लिए बहुत बुरी बीती है। एक तो इंजर्ड है, ऊपर से कुत्ते ने काटा है। अभी आसपास के सारे हॉस्पिटल्स में पता करो, देखो कि पिछले कुछ घंटों में कोई ऐसा आदमी वहां आया है जिसे कुत्ते ने काटा हो या उसका बहुत खून बहा हो। सर, अभी तक जो पता चला है वो ये है कि करीब 15 लोगों को कल रात कुत्तों ने काटा है और इन सभी ने रेबीज का इंजेक्शन लिया है सर। इनमें से सिर्फ 6 लोगों को पैर में काटा है सर। सर, 6 में से एक तो लड़की है, सिर्फ एक ही आदमी बचता है जिसका चेहरा मिलता है सर। उसने लोखंडवाला का पता लिखवाया है, शायद किसी दुकान का है। हाँ सर, सीधे हम लोग वहीं जा रहे हैं। ये तो कपड़ों की दुकान है, शायद वो यहाँ पे काम करता हो। एक्सक्यूज मी, यस, ये कुल्लू नाम का आदमी यहाँ काम करता है क्या? वो यहाँ काम नहीं करता। कल रात उसे एक कुत्ते ने काट लिया। अच्छा, फिर क्या हुआ? फिर वो हॉस्पिटल गया इंजेक्शन लगवाने के लिए और वहाँ पे उसने इस दुकान का एड्रेस लिखवाया है, समझे? सर, अगर वो यहाँ का एड्रेस नहीं लिखवाएगा तो कहाँ का लिखवाएगा? उसका कोई परमानेंट एड्रेस तो है नहीं। वो यहाँ काम करता था 6 महीने पहले। 6 महीने पहले? जी हाँ, 6 महीने पहले उसे यहाँ से नौकरी से निकाल दिया था। क्यों निकाला था उसे यहाँ से? चोरी करते हुए पकड़ा गया था। पक्का चोर है, दूसरों का पैसा देखकर तो उसके मुंह से पानी टपकता है। अभी कहाँ मिलेगा वो कुछ मालूम है? कुछ दिनों पहले मुझे एक सिनेमा हॉल में मिला था, कह रहा था कि आजकल मैं एक कंटेनर ट्रक यार्ड में नौकरी करता हूँ अंधेरी में। कंटेनर ट्रक यार्ड अंधेरी? आप यहाँ के सुपरवाइजर हैं? जी हाँ। हम लोग सीआईडी से। सीआईडी से? क्या बात है? देखो डरो मत, हम बस गुल्लू से बात करना चाहते हैं। गुल्लू से? हाँ। आप लोग भी उसे ढूंढ रहे हैं? आप लोग भी से मतलब? मैं भी उसे ढूंढ रहा हूँ सर। उसकी 5 बजे की शिफ्ट है पर वो अभी तक दिखाई नहीं। मतलब आज वो काम पे आया ही नहीं? पता नहीं, शायद आया ही हो। आप यहाँ के सुपरवाइजर हैं और आपको पता ही नहीं कि वो आया है या नहीं? सर, ये जगह इतनी बड़ी है कि पता ही नहीं चलता। कई बार तो वो आते ही किसी भी कंटेनर में जाके सो जाता है। ये गुल्लू यहाँ करता क्या है? वॉचमैन है। फ्रेडरिक सर, जीप में से डॉग को लेकर आओ, वही ढूंढेगा इस गुल्लू को। आइए। वो खून से सना हुआ पैंट का टुकड़ा इस डॉग को ढूंढा जो हमें राजीव के घर में मिला। अगर गुल्लू वहां उस घर में गया था तो ये डॉग सीधा उस तक पहुंच जाएगा। लगता है सर गुल्लू यही है। क्या कुछ है? खोल कर देखो। कौन है ये? गुल्लू है? नहीं सर, ये गुल्लू नहीं है। तो फिर ये कौन है? पता नहीं सर, वॉचमैन के होते हुए लाश अंदर कैसे आ सकती है? वॉचमैन यहाँ पर गुल्लू है। जी सर,
कितने बजे से कितने बजे तक की ड्यूटी है उसकी? शाम 5 बजे से सुबह 5 बजे तक। तो लाश उसी समय यहाँ लाई गई होगी। सर खून चाकू मारने से हुआ है सर, बहुत गहरा जख्म। फिंगरप्रिंट लेकर बॉडी पोस्टमार्टम के लिए भेज दो। फ्रेडरिक्स, मिस्टर राजी और उनकी वाइफ को बुलाओ, देखते हैं वो इस आदमी को पहचानते हैं या नहीं। इसके पेट में 2 बार चाकू मारा गया है, बहुत ज्यादा खून बहने से बेचारे की मौत हो गई। ये लोग बहुत घबराए हुए लगते हैं, पता नहीं लाश देख सकेंगे या नहीं। लाश तो देखनी पड़ेगी, ये आदमी उनके घर में घुसा था, इस मौत से जरूर इनका रिश्ता है। आप लोग जरा आगे आइए और लाश को पहचानने की कोशिश कीजिए, देखिए आप लोग इसे जानते हैं क्या। प्लीज चोरी करने गया होगा। कुछ गड़बड़ है। हाँ, पेट में चाकू लगा है ना? नहीं मैडम, कुछ और है, आप देखिए तो सही। सर, इन लोगों को जरा बाहर छोड़ो। यस सर, आप आइए प्लीज। ये क्या, इसके पेट में चाबी? ये चाबी निकल गया क्या? जिस तरह से ये दिख रही है, ये पेट के अंदर नहीं हो सकती। मगर एक्सरे में तो दिख रही है ना? दिख तो रही है सर, लेकिन ये पेट के अंदर नहीं हो सकती। मरने वाले के लिए ये चाबी बहुत ही काम की थी, बहुत काम की। हमें किसी भी हालत में पता लगाना चाहिए कि ये चाबी है किस चीज की। इस पे सिर्फ नंबर 14 लिखा हुआ है और कुछ नहीं है, चाबी बनाने वाली कंपनी का नाम भी नहीं है। ये चाबी किसी आम चाबी जैसी नहीं है, ये चाबी एकदम अलग है। ये किसी लॉकर की चाबी हो सकती है या किसी सेफ की। ये बैंक के लॉकर की चाबी तो नहीं हो सकती, वो चाबियां जरा लंबी होती हैं, जरा रेगुलर जैसी होती है। सर ये चाबी किसी जिम के लॉकर की हो सकती है। सर मेरे पास ऐसी एक चाबी है, ये देखिए सर। अब कैसे पता चलेगा कि वो लॉकर है कहाँ? सारे हेल्थ क्लब और जिम ढूंढ डालते हैं, कहीं ना कहीं तो मिलेगा वो लॉकर नंबर 14। चाबी इसी जिम लॉकर की है। ये लॉकर नंबर 14 किसका है? ये मिस रीटा का है। मिस रीटा, ये अभी है यहाँ जिम में? नहीं सर, इनफैक्ट ये तो पिछले 3 दिनों से नहीं आई है। रहती कहाँ है वो? सर ये
62 अमेरिका पार्क लिंक रोड मलाड वेस्ट। 62 अमेरिका पार्क। हेलो फ्रेडरिक्स, एक एड्रेस लिखो। 62 अमेरिका पार्क लिंक रोड मलाड वेस्ट। इस एड्रेस पे जाओ और वहां जो भी मिले उसे फौरन पकड़ लो, ठीक है? रीटा, हम रीटा को ढूंढ रहे हैं। ओके, लॉकर नंबर 14 हम लोग चेक कर सकते हैं। सर, ये लेडीज लॉकर होगी। इसका मतलब उस आदमी की मौत इस फोटोग्राफ के लिए हुई थी। क्या है इस फोटोग्राफ में? बिल्डिंग कौन सी हो सकती है? मुझे लगता है ये फोटो ही हमें खूनी तक ले जाएगी। मगर सर, किसी ने ये फोटो ली क्यों होगी? बिल्डिंग पर नाम तक लिखा हुआ नहीं। मगर ये फोटो एक पिस्टल के साथ में रखी हुई मिली है, और शायद बाद में ये भी पता चले कि इस पिस्टल से ही खून हुआ। सर, कहीं ऐसा तो नहीं कि इस बिल्डिंग में किसी का खून होने वाला है? मुझे भी यही लग रहा है, कोई और खून भी होने वाला है। मैं जल्दी से जल्दी इस बिल्डिंग को ढूंढ निकालना चाहिए। बहुत धुंधला सा कुछ दिखाई दे रहा है। कुछ ग्लास में सामने वाली बिल्डिंग दिखाई दे रही है, कांच में, ग्लास में क्या है? कुछ साफ दिखाई नहीं दे रहा है। मैं इस पोर्शन को थोड़ा बड़ा करके देखती हूँ। यहाँ कुछ लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, ए और वाई है। वो ऊपर देखिए, राइट कोने में, वहां भी कुछ लिखा हुआ है। वहां ना? हाँ। एक मिनट। हाँ, कुछ है तो सही। वी ओ एल, शायद एल है। इस फोटो को जरा उल्टा करके देखो। यस सर। तो आंखें भी दिख रही हैं। लेट्स सी व्हाट इट इज। ऐश्वर्या राय। सर, ये तो किसी फिल्म का पोस्टर लग रहा है। वाई ए, ये शायद फिल्म का नाम है। हाँ, ये आखिरी के दो लेटर हो सकते हैं, माया, एम ए वाई ए, इसके शुरू में एम ए होगा। सर, अभी एक फिल्म भी रिलीज हुई है, माया। शहर में जितने भी थिएटर्स हैं जहां पर ये फिल्म लगी हुई है माया, वहां पर जाके देखो कि थिएटर के सामने ये ग्लास वाली बिल्डिंग है क्या। हाँ फेड्रिक्स, रीटा घर पे नहीं है? अच्छा, 3 दिन से नहीं है घर पे। घर पे और कौन है? कोई नहीं है। देखो, तुम वहीं पे चिपके रहो, हिलना मत वहां से। जैसे ही वो आए फौरन फोन करना, ओके? हाँ, कहाँ पे है? लिंक रोड पे। लिंक रोड पे कहाँ पे? अच्छा, वहां वो फिल्म चल रही है ना, माया? मगर उस थिएटर के सामने वो ग्लास वाली बिल्डिंग है ना? है? ओके, कौन सी बिल्डिंग है ये? बैंक है। बैंक? कौन सा बैंक? लिंक कोऑपरेटिव बैंक। ओके ओके, या थैंक्स अ लॉट। बिल्डिंग मिल गई? हाँ सर। सर, उस बिल्डिंग में एक बैंक है। बैंक है तो फिर हमें जल्दी जाना चाहिए।
लिंक प्रॉपर्टी में, यही है वो बिल्डिंग और ये है वो थिएटर। सर लगता है यहाँ कुछ सीरियस हुआ है। क्या हुआ है सर? बैंक की वैन को लूट लिया है, इनको चाकू और पत्थर से मारकर 15 लाख रुपए लूट कर ले गए। चलो चलो इन्हें जल्दी ले चलो। समझ गए। अगर थोड़ी देर पहले पता चल जाता ये वाली बिल्डिंग है हम लोग टाइम पे पहुंच जाते। बैंक की बिल्डिंग का फोटो पहले से खींचा हुआ है, इसका मतलब है पहले से ही प्लान बनाया हुआ था इन लोगों ने बैंक लूटने का। अगर इस थिएटर का रिफ्लेक्शन इस बिल्डिंग में ना दिखता तो पता भी नहीं चलता ये है कहाँ। लोगों को डर था कि कहीं वो फोटो और पिस्टल पुलिस को न मिल जाए, इसीलिए रीता के भाई सोमेश का खून हुआ है। अगर रीता मिल जाए तो सब कुछ पता चल जाएगा। बहुत दिन हो गए तुम आई नहीं, बड़े सारे सेशन भी मिस कर दिए। वो ऐसे ही मैं जरा बिजी थी। देखो अगर रेगुलरली नहीं आओगी ना तो कोई फायदा नहीं होगा। खैर तुम चलो मैं नए अटेंडेंट को भेजती हूँ। नए अटेंडेंट को? सुषमा नहीं आई? उसने छोड़ दिया। ओह ठीक है। तुम कौन हो? मैं नया अटेंडेंट हूँ, दया, सीआईडी से। सीआईडी से? हाँ, तुम्हारे लॉकर में जो था वो हमारे पास है। वो बैग मेरा नहीं है, उसमें रखी हुई चीजें भी मेरी नहीं है। तो फिर किसकी है? मेरे भाई सोमेश की। उसने मुझे बैग संभाल कर रखने को कहा था, उसने लॉकर की डुप्लीकेट चाबी भी बनवाई थी, कहा था किसी भी हाल में बैग किसी और को ना दो। तुम्हें मालूम है उस बैग में क्या था? नहीं, मैंने तो वो बैग खोल कर भी नहीं देखा। सुमेश तुम्हारा भाई कहाँ है? पता नहीं। झूठ बोल रही हो तुम। नहीं सर, मैं 3 दिन के बाहर गई हुई थी, मेरी तो उससे बात भी नहीं हुई। तुम्हारे पास उसका आता पता फोन नंबर नहीं है? नहीं है सर, कुछ महीनों से वो बहुत अजीब सा रहने लगा था। कहाँ जाता था, कहाँ रहता था, कुछ नहीं बताता था, वही मुझे फोन किया करता था। चलो ये फोटो देखो, इस आदमी को पहचानते हो, जिसे कभी अपने भाई के साथ देखा है? ये तो मर चुका। हाँ पहचानती हो कौन है ये? ये मेरा भाई सोमेश है। जिस आदमी की मौत हुई है वो तुम्हारा भाई है? हाँ। कैसे हुई उसकी मौत? उनका किसी ने खून कर दिया है। खून कर दिया? जी हाँ। किसने किया उसका खून? यही तो हम भी ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। वैसे आपका भाई करता क्या था? मेरा भाई? हाँ। वो एक चोर था। चोर था? छोटी मोटी चोरियां किया करता था, लेकिन लेकिन वो सुधरने वाला था। उसे एक जगह नौकरी भी मिल गई थी, ड्राइवर की। कहाँ पर? ये मुझे नहीं पता, मुझे उसने कभी नहीं बताया। अच्छा और? अचानक अगर एक दिन कहने लगा तेरे लॉकर में ये बैग रख दे, किसी को बताना नहीं, मैं नौकरी छोड़ रहा हूँ। बस फिर लॉकर की चाबी लेकर वहां से भाग गया। और फिर? हाँ और? और फिर कल उसका फोन आया था। कल फोन आया था? कल फोन आया था? हाँ। ये कैसे हो सकता है? आपके भाई की मौत तो 2 दिन पहले ही हो चुकी है, तो फिर कल कैसे फोन कर दिया उसने? ये कोई दूसरा ही आदमी होगा। हाँ फोन पर आवाज ठीक से सुनाई भी नहीं दे रही थी। क्या कहा था उसने? उसने कहा मुझे लॉकर में से बैग लाके दे दे, इसीलिए मैं जिम ले गई थी बैग लाने के लिए। आज रात को जूहू स्कीम में मिलने वाला है वो मुझे। जूहू स्कीम में? ठीक है हम लोग भी आपके साथ चलते हैं। खून इस बैग के लिए हुआ है और फोन करने वाले आदमी को मालूम है कि बैग आपके लॉकर में है, आपकी जान भी खतरे में है।
क्या है? जरा गाड़ी रोको। लेटर तुम यहीं पे उतर जाओ, हम लोग यहीं पे। देखो घबराओ मत, हम लोग आस पास ही, ओके? जाके सामने खड़ी हो। मुझे ये बैग लेने के लिए। नहीं, मैं नहीं दूंगी ये बैग। सोमेश कहाँ है? वो नहीं आ सकता, सोमेश मुसीबत में है। सिर्फ ये बैग उसे बचा सकता है। आओ, मुझे दो। नहीं। आओ, नहीं। बैग मुझे दो। नहीं दूंगी। ज्यादा सोचो मत, सोमेश मुसीबत में है और ये बैग उसे बचा सकता है। राजीव के घर के बाहर उस कुत्ते ने तुम्हें काटा था, तुम वहां पे गए थे, तुमने ही सोमेश का खून किया है। सोमेश कौन है? सोमेश को नहीं जानता। नहीं, अभी वहां क्या कह रहा था? सोमेश मुसीबत में फंसा हुआ है, बैग मांग रहा है। है किसी सोमेश सोमेश को नहीं जाता। एक गाड़ी रुक यहां पे। ए चुप, ए चुप, क्या पता था कि नहीं? हां साहब, हम लोग चोर लोग हैं साहब। हम बैंकों का रुपया लूटते हैं और ज्वेलर्स की दुकानें भी। अब तक कितनी रिकॉर्डिंग की है? 15 बार लूटा है साहब, बैंकों को, ज्वेलर्स को। हम लोगों ने बहुत रुपया कमाया है साहब। वो सोमेश तुम्हारा ही आदमी था ना जिसकी मौत हुई है? हाँ साहब। क्यों मारा उसे? वो बेवकूफ था साहब, हमारा ड्राइवर था वो, नया नया लगा था साहब। उसे मालूम नहीं था कि हम लोग लूटे रहे हैं। पता नहीं कैसे उसे एक दिन वो बैग मिल गया जिसमें फोटो और पिस्टल थी साहब। और उसने जाके वो बैग वहां जिम में छुपा दिया, अपनी बहन के लॉकर में। हाँ साहब, वो कहने लगा कि वो पुलिस को जाकर के सब कुछ बता देगा, नहीं तो मुझे पैसे दो। हमारी बिल्ली हबी से म्याऊ, एक ड्राइवर हमें ब्लैकमेल करने लगा था साहब, हमसे पैसे मांग रहा था वो। तुम राजीव के घर में कैसे पहुंचे और सोमेश को वहां पे क्यों मारा? ये मुझे मालूम नहीं था। नहीं मालूम? वहां पे तुमने खून किया और कह रहा है नहीं मालूम? क्यों घुसा राजीव के घर में? मुझे कुछ याद नहीं साहब। क्यों, क्या हो गया? पता नहीं साहब क्या हुआ था, मैं बेहोश हो गया था। जब मेरी आंख खुली तो
मैं राजीव के घर में था और सोमेश मेरे सामने खड़ा था साहब। तुम्हें कुछ याद नहीं कि तुम वहां कैसे पहुंचे, है ना? मुझे कुछ याद नहीं साहब। दया, इसे तो कुछ याद नहीं है बेचारा। चलो तुम्हें डॉक्टर के पास लेके चलो। सब याद आ गया साहब, सब याद आ गया साहब। राजीव ने मुझे वहां भेजा था साहब। राजीव है? हाँ साहब। तुम राजीव को पहले से जानते हो? हाँ साहब। कैसे? राजीव हमारा बॉस है साहब। सुमेश मुझसे मिलने आने वाला था, मैं जानबूझकर अपनी फैमिली को बाहर खाना खाने लेंगे और गुल्लू को वहां भेज दिया उसे मारने के लिए। पता नहीं कहां से वहां एक आदमी आ गया साहब। राजीव है घर पर? वो घर पे नहीं है। कौन हो तुम? नौकर? राजीव घर पे नहीं है, तुम जाओ यहां से। वो आदमी होटल में आ गया, मुझसे कहने लगा कि घर जाओ। मुझे मजबूर होकर घर जाना पड़ा। फिर मेरी वाइफ ने सीआईडी को बुला लिया। उसे नहीं मालूम था कि मैं एक चोर। एक खून और 15 डेकोइटी करने के जुर्म में शायद फांसी होगी तुम लोगों को। CID के और भी मजेदार और सस्पेंस से जुड़े एपिसोड्स को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।